बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों के विधायकों की पिटाई से नाराज और कृषि बिल के खिलाफ राजद सहित कई विपक्षी दलों ने आज बिहार बंद किया है। बिहार बंद को लेकर सीतामढ़ी में सुबह से काफी असर देखा जा रहा है। बिहार बंद को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शहर की दुकानों को घूम घूम कर बंद कराया। इस दौरान जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ता गांधी मैदान के प्रांगण में इकट्ठा हुए जुलूस में शामिल पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह तानाशाह हो चुके हैं। उनके लात घूसों से पीटा गया, उनके साथ जो बर्ताव हुआ, इन्हीं के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी के आह्वान पर आज हम लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। और दूसरा, किसानों की जो समस्या है, किसानों के खिलाफ जो तीन काला कानून आया है, उस कानून को वापस करो। आज लगभग 125 दिन से आंदोलन चल रहा है, हमारे 300 किसान शहीद हो गए वहाँ, और ये सरकार, केंद्र की सरकार, इसको सुनने को तैयार नहीं है, इस काला कानून को वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान मजदूरों का और आम लोगों पे जो महंगाई का बोझ पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में जन प्रतिनिधियों को पुलिस के द्वारा उठा उठा कर बोरे की तरह बाहर फेंक दिया गया। ऐसे तानाशाह शासक के खिलाफ महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बिहार बंद के दौरान आम जनता ने भी अपना समर्थन दिया है।